यहाँ पे हमने देखा जो आपने खुद कहा आर्मी की तरफ से जो और एक म्यूजिकल इवेंट यहाँ पर मुनक्कद इन्होंने किया, काफ़ी सारे इसमें नौजवानों ने यहाँ पर हिस्सा लिया, अपने अपने टैलेंट को दिखाया, सब ने यहाँ पर बड़ा एंजॉय किया। मेरा मानना यह है कि अगर आप देखेंगे कश्मीर में, वो भी साउथ कश्मीर और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, अगर हम बात करेंगे टैलेंट की कमी नहीं है। अगर कमी आज तक किसी चीज़ की रही वो रही उनको प्लेटफार्म की। वो प्लेटफार्म पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं जिस तरीके से आर्मी जो है प्लेटफार्म मुहैया करा रही है और जो टैलेंट यूथ्स का है वो सामने आ रहा है। ये एक खुशकिस्मती की बात है और मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आज का ही नहीं, हम इस डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं पिछले कई समय से कितने सारे ऐसे इवेंट जो है देखने को मिल रहे हैं और जिसमें नौजवानों को अपने टैलेंट को दिखाने के लिए एक प्लेटफार्म मिल रहा है। मेरा मानना ये है कि ये जो प्रोग्राम आज हुआ ऐसे प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए ताकि जो हमारे यूथ जो है, आज मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज नशा मुक्त अभियान जो भारत में चल रहा है उसमें जैसे नौजवानों को कोई दूसरे चीज़ या कोई दूसरी एक्टिविटी के लिए कोई प्लेटफार्म नहीं था, कहीं ना कहीं वो ड्रग के शिकार होते थे। आज हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर भी लोग आए, नौजवान आए, उन्होंने इस यहाँ पर हिस्सा लिया, अपने टैलेंट को सामने रखा, तो ये एक खुशाइन कदम है और इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए।